आज हम लौकी की खीर बनाएंगे। ये देखिए कितना टेस्टी बनी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं लौकी की खीर। संतोषी माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। लौकी की खीर बनाने के लिए मैंने एक ये छोटी सी लौकी ली है, ये एकदम कच्ची लौकी है। ये 1 लीटर दूध लिया, मीठे में मैंने मिश्री लिया, आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हो। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम इस लौकी को धुलाई करेंगे, फिर इसको छील के इसका कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने लौकी को कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लिया है। तो चले अब हम खीर बनाएं। पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, गैस पर चढ़ाएंगे। ये गैस पर मैंने पतीला रख दिया, अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। अब इसमें जो हमने लौकी को निचोड़ लिया था पानी से, अब वो डालूंगी मैं। अब हम पहले इस लौकी को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा सूख जाए। ऐसे ही हम चला के इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। दोस्तों अगर आपकी लौकी में बीज है तो आप पहले बीज निकालें और फिर उस लौकी को कद्दूकस करना। ये हमारी लौकी देखना ये सॉफ्ट हो गई है, ये इसने घी भी छोड़ दिया। अब इसमें मैं दूध डालूंगी, जो मैंने 1 लीटर दूध लिया है अब इसमें ऐड करूंगी। अब हमें इसको फुल गैस करके अच्छे से उबाल आने तक इसको हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए और हमारी लौकी और सॉफ्ट हो जाए, दूध कम हो जाए, तक खीर गाढ़ी गाढ़ी बने। ये हमारा दूध उबलने लग रहा है। अब हम सीम गैस करके इसको धीरे धीरे पकाएंगे। लौकी की खीर हमारी पक गई है, अब हम इसमें मीठा डालेंगे। मैं मिश्री डाल रही हूँ, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हो। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपकी खीर ज़्यादा पतली है तो आप 1 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर या आपके पास खोआ है तो खोआ भी डाल सकते हो ताकि आपकी खीर गाढ़ी बन जाए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये मैंने काजू काट लिए हैं, ये बादाम, ये इलायची पाउडर, ये मैंने किशमिश को भी धो लिया है। अब हम इसको किशमिश को भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी खीर अच्छे से, ये काजू बादाम है ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारी लौकी की खीर बनके तैयार हो गई है, देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी बनी है। अब हम गैस बंद करेंगे और खीर को कटोरी में निकालेंगे। दोस्तों हमारी लौकी की खीर बनके तैयार हो गई है, ये कम सामान में, कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से सजाऊंगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसे सजाएं। ये देखिए मैं पहले थोड़ा नारियल डालूंगी, अब मैं इसको ऊपर से थोड़े बादाम और डालूंगी। वाह कितनी लाजवाब हमारी ये खीर बनके तैयार हो गई है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कभी कभी क्या होता है बच्चे लौकी नहीं खाते तो हम उसकी खीर बना के खिलाएंगे तो बच्चे खुश होके खा लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह नई नई वीडियो आपके सामने लाऊं और सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।